नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की, इसके बाद प्रश्नकाल का बहिष्कार करके चले गए। बीजेपी विधायकों के बिना ही प्रश्नकाल चला। 12 बजे शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने के बाद बीजेपी विधायक वापस आ गए। विवाद की शुरुआत खाद्य विभाग से जुड़े सवाल से हुई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खाद्य मंत्री से सवाल किया, इसे स्पीकर ने इरिलेवेंट बताकर खारिज कर दिया। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने स्पीकर से सवाल किया कि सवाल इरिलेवेंट कैसे हो गया। राठौड़ के सवाल उठाने पर स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आप स्पीकर के फैसले पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, स्पीकर की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, आपका प्रिविलेज है तो स्पीकर का भी है। इस पर दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, आपका प्रिविलेज है तो हम घास खोदने नहीं आए हैं, सवाल नहीं पूछेंगे क्या, आप दादागिरी करेंगे, यह क्या बात हो गई। इसके बाद नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने कहा, आसन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, मैं आसन पर आरोप नहीं सुनूंगा, मैं बाहर निकाल दूंगा, आपको जाना है तो जाइए, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको अगर असेंबली नहीं चलानी तो मत चलाइए। इसके बाद नाराज बीजेपी विधायकों ने काफ़ी देर तक वेल में नारेबाजी की, फिर प्रश्नकाल का बहिष्कार करके चले गए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।